हमारे श्रोताओं के लिए इस वीकेंड की खास पेशकश। पेंडल की 10 खौफनाक चुड़ैलें, भाग 1। 18 मार्च 1612 की रात थी। ट्रॉडन गांव की सुनसान सड़क पर एक परिंदा भी नहीं था। दूर दूर से भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। वातावरण खून जमा देने वाला था। जॉन लॉ नाम का एक बेचारा गांव वाला हेलीफैक्स से पैदल आ रहा था। वह तेज कदमों से चल रहा था क्योंकि उस सुनसान सड़क के पास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। अमावस की रात थी। पेंडल के उस भयानक जंगल के बीच कोलने के पास की सड़क अंतहीन सी लग रही थी। तभी जॉन को अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। जॉन घबरा गया और घबराहट में उसने और तेज चलना शुरू कर दिया। उसके पीछे आती कदमों की आवाज़ और तेज हो गई। जॉन ने घबरा के पीछे देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तभी जॉन को अपने कंधे पर एक हाथ रखा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके शरीर में खून नहीं है। हाथ किसका है ये जानने के लिए वह जैसे ही पलटा, वहाँ एक सफ़ेद बाल वाली औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग के खोपड़ी जैसी चीज़ थी। वह धीरे से बोली, मेरी मदद करो जॉन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? जॉन जवाब देने की हालत में नहीं था। डर इतना था कि वह हिल डुल भी नहीं सकता था। वह औरत अपनी सफ़ेद आँखों से लगातार जॉन को देखती जा रही थी। एक पल बाद जॉन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तेज़ भागना शुरू किया। जॉन बिना मुड़े कुछ 15 मिनट तक भागता रहा। उसकी सांस फूल गई थी और उसका दिल धौंकने की तरह धड़क रहा था। वह 1 मिनट के लिए थक कर सड़क पर बैठ गया। उसने जैसे ही अपना मुंह सांस लेने के लिए उठाया तो देखा वह चुड़ैल खोपड़ी आगे किए उसके साथ बैठी थी। वह बोली, जॉन मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? जॉन की खिड़की बन चुकी थी। उस चुड़ैल के गले से कानों के पर्दे चीर देने वाली चीख निकली। वह गुस्से में चिल्लाई, मैंने तुम्हें 2 बार मौका दिया पर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यह सुनते ही जॉन सड़क पर गिर पड़ा। उसे किसी प्रकार का दौरा पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। डर की अधिकता और दौरे के प्रभाव से वह अपने होश खो बैठा। लगभग इसके 1 घंटे बाद किस्मत से वहाँ शराब सप्लाई करने वाली गाड़ी ट्रॉडन गांव की ओर ही जा रही थी, जिस पर 3-4 लोग सवार थे। जॉन की किस्मत साथ दे रही थी। उन्होंने जॉन को उठाकर गाड़ी में डाला। सुबह जॉन को जब होश आया तो वह एक शराब खाने में बैठा था और उसके आसपास काफ़ी भीड़ जम चुकी थी। कुछ पूछताछ करने पर जॉन ने मुश्किल से अपना पता बताया। उसका घर ढूंढकर वहां से उसके बेटे अब्राहम को लाया गया। जब जॉन से पूछा गया कि क्या हुआ तो उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि उसे रात में एक चुड़ैल मिली थी जो उससे
बार बार भीख मांग रही थी, और भीख न मिलने पर उसने जॉन को श्राप दे दिया, जिससे उसे दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गया। यह सुनकर कुछ और लोगों ने भी बताया कि देर रात वहां से गुजरते हुए उन्होंने दूर सड़क पर चलती सफेद बालों वाली लड़की को कई बार देखा है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में काफी समय से बच्चे गायब हो रहे थे, पर ये अभी तक अनसुलझा रहस्य ही था। कुछ लोगों ने पालतू जानवर गायब होने की रिपोर्ट भी लिखाई थी। यह खबर सुनते ही कुछ लोगों ने बताया कि वहां डेम डेइक नाम की एक महिला है, जो गांव से बाहर और जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास मिल्किन टावर में रहती है और काला जादू जानती है। हो ना हो, ये लड़की उस टावर से ही है जो रात में चुड़ैल बन जाती है। ये उसकी पोती एलिजन जैसी ही दिखती है। उसके परिवार में और लड़कियां और औरतें भी हैं जो काला जादू जानती हैं। ये बात सुनकर गांव वाले आग बबूला हो गए। उस टावर के बाहर सारा गांव इकट्ठा हो गया और एलाइजन नाम की लड़की को घसीट के घर से बाहर लाया गया। जॉन ने उसे पहचानने की कोशिश की। उस लड़की का चेहरा वही था, पर इस समय वो दिखने में काफी जवान और खूबसूरत लग रही थी। पर गांव वाले जानते थे कि हो ना हो यह वही चुड़ैल है जो रात में आने जाने वालों को दिखती है। एलाइजन से जब जोर देकर पूछा गया तो वह बोली कि वो नहीं जानती, पर मालूम नहीं कैसे उसके पास नर्क की कुछ काली शक्तियां आ गई हैं। रात में ना जाने मुझे क्या हो जाता है, सुबह मैं जब उठती हूँ तो सब ठीक होता है। कृपया इस आदमी को श्राप देने के लिए मुझे माफ कर दिया जाए। पर अब्राहम ने तब तक पुलिस को खबर कर दी थी। 30 मार्च को उसे घसीटते हुए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। मजिस्ट्रेट रॉजर नोबेल के कोर्ट में अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सनसनी इतनी थी कि वहां पैर रखने की जगह भी नहीं थी। एलाइजन अपनी माँ एलिजाबेथ के साथ वहां आई थी। एलिजाबेथ एक बूढ़ी कुरूप विधवा थी। कड़ी पूछताछ के दौरान एलिजाबेथ ने मान लिया कि वह भी एक चुड़ैल है। उसने बताया कि उसकी नानी डेम डेइक ने उसे वर्षों से चुड़ैलों का काला जादू सिखाया है और अब वह खुद एक चुड़ैल बन चुकी है। डेम डेइक एक 80 साल की भयानक बुढ़िया थी जो हर समय खराब मूड में रहती थी। पूरे पेंडल के लोग उसे भयानक बुढ़िया के नाम से जानते थे, पर वे नहीं जानते थे कि डेम डेइक एक भयानक चुड़ैल है। पेंडल की खौफनाक चुड़ैलें, भाग एक का अंत। यह मालूम होने पर गांव वालों ने क्या किया, बाकी 8 चुड़ैलों का राज क्या था, गांव से गायब होते बच्चों और जानवरों का रहस्य क्या था, जानने के लिए सुने पेंडल की खौफनाक चुड़ैलें भाग 2। हमारे श्रोताओं के लिए इस वीकेंड की खास पेशकश। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।